काठी कुंड प्रखंड के डाक बंगला में शुक्रवार को संथाल परगना आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय झारखंड की वर्तमान दिशा रही। विचार गोष्ठी में बचाव अभियान के संयोजक मंडली के सदस्य प्रभाकर तिर्की, प्रेमचंद मुर्मू, मंगल हसदा, नरेश मुर्मू, एमएल उरीद सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। गोष्ठी में अपना विचार रखते हुए प्रभाकर तिर्की ने कहा, लंबे समय के आंदोलन के बाद संघर्ष के बल पर बना झारखंड राज्य संकट के दौर से गुजर रहा है, जिस मकसद को लेकर झारखंड राज्य की कल्पना की गई थी, आज उसकी उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा, झारखंड राज्य की वर्तमान सरकार भी पिछली सरकार की तरह बड़े पूंजीपतियों के दायरे पर कार्य कर रही है। स्थानीय आदिवासी दलित मूलवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी जमीन जबरन लूटी जा रही है। मौके पर उपस्थित प्रेमचंद मुर्मू ने कहा, आदिवासियों के लिए भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची के तहत पैसा कानून आरक्षण जैसे प्रावधान किए गए, लेकिन संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर आदिवासी हितों के खिलाफ सरकार की रणनीति बन रही है। वहीं झारखंड बचाओ अभियान के संयोजक नोरा मुर्मू ने कहा, सरकार की आदिवासी मूलवासी जनविरोधी सरकार के खिलाफ संपूर्ण राज्य में व्यापक जन अभियान चलाया जाएगा। आगामी नवंबर में झारखंड की दशा एवं दिशा पर राज्य स्तरीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें झारखंड को बचाने के लिए झारखंड सरकार की आदिवासी मूलवासी जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जागरूकता जन आंदोलन की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। विचार गोष्ठी का संचालन संथाल परगना आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के अध्यक्ष श्री मानुवेल हंसदा ने किया। काठीकुंड से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। मैं प्रभाकर तिर्की हूँ और झारखंड बचाओ अभियान के लिए संथाल परगना में आया हूँ। हम लोगों ने झारखंड बचाओ अभियान की शुरुआत की है, जिसका मुख्य मकसद है झारखंड को बचाना है। आज जो परिस्थिति बनी है वो ये है, जिसको बड़ा दुख के साथ हम लोग कहते हैं कि जिनके लिए झारखंड बना वो आज उपेक्षित है। झारखंड के आदिवासियों के लिए, झारखंड के दलितों के लिए, झारखंड के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए इस राज्य की कल्पना की गई थी, उनके सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक विकास के लिए इस राज्य की कल्पना की गई थी। दुर्भाग्य से इस राज्य के एजेंडा में आज आदिवासी का एजेंडा नहीं है, इस राज्य के एजेंडा में दलितों का एजेंडा नहीं है, इस राज्य के एजेंडा में पिछड़े वर्गों का एजेंडा नहीं है। दूसरी बड़ी बात, इस राज्य को अलग करने के लिए हजारों आंदोलनकारियों ने कठिन संघर्ष किया और लोग जेल गए, पुलिस का जुल्म सहा लोगों ने, जिनके ऊपर गोलियां चली, जिनके ऊपर लाठियां चली, उसके बारे में सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है। झारखंड के आंदोलनकारियों को अपमानित किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। पूरे राज्य में आंदोलनकारियों को एकजुट करेंगे, पूरे राज्य में किसानों को, छात्रों को, महिलाओं को एकजुट करेंगे। मकसद हमारा है झारखंड को बचाना है। निर्माण का भरोसा लाल स्टील जीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील जीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती।